आवाज क्वालिटी शिट ही होगी, लेकिन देख लेते हैं। गैर यकीनी सूरत हाल है आज यहाँ पे जी, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है, ये पहला स्टेप है, फिर दूसरा तीसरा स्टेप। ये ब्लॉग और इंटरव्यू एट द सेम टाइम। आज अपने ऐसे दोस्त को इंटरव्यू करने जा रहा हूँ। He has been with me in everything and then also he's a very good human being, very nice, humble and generous guy. वजह ये है कि अभी कुछ दिन पहले he's been subjected to a racial abuse. वो जिस ट्रेड में है अब्यूज होती है वो almost daily basis पे है। बीबीसी ने उनपे इंटरव्यू किया है, दुनिया टीवी, एआरवाई टीवी, जियो न्यूज। गलत अफाज में जो है वो पुराना शुरू कर दिया। जो वाक्य मेरे साथ पेश आया है, इस तरह के वाक्य चौथे पद आए हर रोज, हर दूसरे रोज तकरीबन पेश करते रहता है। आज हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि आया ये जो जितना वो उन्होंने फेस किया है या जितनी डिस्क्रिमिनेशन या आप कह लें कि एक प्रेशर अब्यूज जो वो फेस करते हैं, किस तरह की डिफिकल्टीज होती हैं अपने ट्रेड में काम करने करते हुए। वो जैसे मैंने आपसे कहा था कि मेरे वो दोस्त हैं और मैंने आपको ऑलरेडी उनका इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, तो ये हैं वो मेरे दोस्त जनाब मोहतरम आबिद सत्ती साहब। आप मुझे बताएं आपको यूके में आए हुए कितना अर्सा हो गया आबिद भाई? जी मोहन भाई, मुझे तकरीबन 10 साल मुकम्मल होने वाले हैं। अच्छा जी, अच्छा आप इसका मतलब आपको 10 साल हो गए इंग्लैंड में आए हुए हैं, तो आप मुझे बताएं आपका इंग्लैंड का कैसा एक्सपीरियंस है? जी अल्हम्दुलिल्लाह मोहन भाई, ओवरऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अच्छा जी, बाकी जो है ना वो आबिद भाई से जो जितने भी क्वेश्चन करने हैं ना, ठीक है वो मैं ऊपर दरख्त पे चढ़ने लगा हूँ, ऊपर दरख्त पे चढ़ के भाई आबिद से पूछूंगा कि आबिद भाई आप बताएं कि आपकी जिंदगी के बारे में और अपने तजर्बात बताएं। ठीक है, विश मी लक। और नहीं भाई, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है दरख्त पे चढ़ने से, मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है। अच्छा कैमरामैन साहब, मैं आपको सच्ची बताऊं मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है, एम्बुलेंस का अरेंजमेंट हो सकता है यहाँ पे? हमारे जो कैमरामैन साहब है जनाब मोहम्मद फारूक साहब, ठीक है हाथ इनके ऐसे कांप रहे हैं जैसे पता नहीं इन्होंने कैमरे की वजह बंदूक उठाई हुई है। ही इज अ वेरी गुड गाय, फारूक इज अ वेरी गुड गाय, ही इज अ गुड गीजा, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है ना इनका जो हाथ कांपने वाला जो सिस्टम है वो रुक जाएगा। और इसके अलावा दरख्त पे बैठ के आपको कैसा लग रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह काफी, देखें हवा चल रही है। अच्छा, काफी फ्रेश फील हो रहा है यार। अच्छा वाओ, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी नाइस। यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए हैं चिल मारने के लिए, एंजॉय करने के लिए। आपको यहाँ पे आके कैसा महसूस हो रहा है? नो डाउट, और इस पार्क में तकरीबन फैमिली के साथ में एटलीस्ट वंस अ वीक हम लोग आते हैं। अच्छा, बच्चे काफी एंजॉय करते हैं, काफी जैसा आपको बोला कि काफी बड़ा पार्क है। अच्छा, इसको हमने अभी तक फुली एक्सप्लोर नहीं किया, हमने हाँ समझे कि एक क्वार्टर एक्सप्लोर किया हमने अभी तक, और इंशाल्लाह नेक्स्ट फ्यू वीक्स में हम इसको पूरा एक्सप्लोर कर लेंगे इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको प्रदेश में आने वाले कुछ लोगों की ज़िंदगी और उसके हकायक के बारे में बताता हूँ कि हम लोग किस तरह प्रदेश आते हैं और प्रदेश में आके हम किन किन चीज़ों को फेस करते हैं और किस किस मराहल से हम गुज़रते हैं। सबसे पहले तो जब हम पाकिस्तान में होते हैं या किसी भी अपने जो हमारा नेटिव कंट्री होता है, जो भी हमारा जिस भी मुल्क से हम बिलोंग करते होते हैं, वहाँ से हमें क्यों मुल्क छोड़ के आना पड़ता है, उसकी बहुत सारी अलग वजूहात हैं जो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ हालात में बयान की हैं। अक्सर जो है ना वो हमारे साथ ही होता है और वन सवाल बिल्कुल नहीं है। हमारे बर्मिंघम में तकरीबन 10,000 से ज़्यादा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर हैं जो मुख्तलिफ कंपनीज के साथ इस काम से वापस आए,
और ये कि नॉर्मल रूटीन, इसमें हमें ऐसे चैलेंजेस जो फेस करने पड़ते हैं वहाँ, जो देखा जाती है चीज़ वो ये है कि हमारा वहाँ पे जो रिएक्शन है, अगर हमारा रिएक्शन नेगेटिव आएगा तो ऑफकोर्स वहाँ पर हम एक कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, एक ट्रेड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब मैं बात करूँगा ट्रेड की, तो हमारे स्टेट में मैक्सिमम, जैसे कि आपने पहले अपने नाज़रीन को बताया कि मेजॉरिटी जो है वो हमारी एशियन बेल्ट से है, और उनमें भी मेजॉरिटी पे पाकिस्तानी कम्युनिटी की है। इसका मतलब है कि मेरे किसी भी नेगेटिव आंसर का या उसको जवाब का हमारी पूरी कम्युनिटी भी एक नेगेटिव असर करना था। इनफैक्ट इसमें देखें फाइनेंशली, मेंटली और साइकोलॉजिकली बिल्कुल ये हर तरह का इम्पैक्ट हमारे पर इसलिए पड़ता है कि जब मेरे हमारे साथ ऐसे वाक़ पेश आते हैं तो उस टाइम जो है वो बाज़ अवक़ात हमें काम छोड़ना पड़ जाता है, क्योंकि हम लोग कंफर्टेबल फील नहीं करते कि शायद हम अगले जो कस्टमर होगा उसको उस तरह हम इंटरटेन ना कर सकें या ग्रीट ना कर सकें कि जो हमारे प्रोफेशन की जिम्मेदारी है, जिनके अच्छे तरीके से आपने उनको बुलाना, आपने उनको वेलकम करना, ठीक है। अब जब अंदर से आपके मीन के आप में परेशानी है या गम है या दुख है आपके अंदर, तो आपके फेशियल एक्सप्रेशन से पता लग जाएगा कि जब आप उनको दिली तौर पर जो है वो नहीं कर रहे। तो इसमें क्या है कि बाज़ात हमें जो है ना वो फाइनेंशली, मैं आपको जब कहूँगा कि ये लॉस है तो हम जब काम छोड़ के घर जाएंगे तो वो हमारे उस दिन का लॉस है, ठीक है। तो मैं दा देता हूँ लोगों को जो हमारे बाकी टैक्सी ड्राइवर भाई हैं जो बहुत अरसे से तकरीबन 40-50 साल से इस काम से वाबस्ते हैं, और ऐसे बेशुमार वाक़ियात, बल्कि इनमें कई लोगों की जानें तक जा चुकी हैं, कई लोग मजदूर हो चुके हैं जिनको फिर भी फिजिकल अब्यूज़ में उनको लिया, ठीक है। और कितने ही लोग ना, क्योंकि ये तकरीबन 10-20 हज़ार जो है वो एक शहर में, और अगर आप कंट्री वाइड देखें तो, बल्कि ये वर्ल्ड वाइड ट्रेड है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड ट्रेड में हमें जो है वो अपने काम को जारी रखना है, तो हमें अपनी जान की, अपनी ऑब्वियसली मेंटली जहनी तौर पे हमें अपनी सेफ्टी चाहिए। उसके लिए कई जो हैं जो कौंसल्स हैं उन्होंने परमिट किया है, बेसिकली सबसे पहले मेरी जो मुझ सब कहते हैं तो रिक्वेस्ट है अपनी सारी कौंसल से कि वो CCTV को कंपलसरी करें, कि CCTV से ये होगा कि एटलीस्ट के जब कस्टमर आके बैठते हैं उनको पता है कि हम रिकॉर्डिंग हो रही है, तो अगर उनके माइंड में कुछ ऐसी होगी भी तो उनको पता है कि ये कल एज ए प्रूफ आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, या नज़र आ सकते हैं, दुनिया तक देख सकती है, ठीक है। तो थोड़ा सा उनके बिहेवियर में चेंजिंग आएगी। सबसे बड़ा जो चेंजिंग लानी चाहिए वो मेरे ख्याल में एक गवर्नमेंट लेवल के ऊपर लोगों को मोर एजुकेट करने की ज़रूरत है, ठीक है। क्योंकि देखें, जब आपने रहना है किसी भी कंट्री में, स्पेशली जो जहाँ पे मल्टी कल्चर जो है कंट्री, जैसा कि UK में हम हैं, यहाँ पे दुनिया के हर मुल्क से लोग डिफरेंट एरियाज से, डिफरेंट कंट्रीज से, डिफरेंट रिलीजन से यहाँ पे आ रहे हैं और एक साथ रह रहे हैं, तो वहाँ पे टॉलरेंस, एक दूसरे को बर्दाश्त और दूसरे मज़ाहिब से हम आंगी जो है, ठीक है, और ये ज़रूरी है। जब से ये गोरा इनके साथ मिला है टैक्सी में, उसके बाद इनका दिमाग खराब हो गया। अच्छा, इसका मतलब यहाँ पे आप बोटिंग भी कर सकते हैं? बिल्कुल, बोट वो लगी हुई है लेकिन सारी प्राइवेट बोट है। अच्छा, ये जो पार्क की इंतजामिया उनकी नहीं है। अच्छा, हर बंदे की अपनी प्राइवेट बोट है, सारी वो पकड़ो नजर आ रही है आपको। आबिद भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने अपने दिन से टाइम निकाला और मेरे काफ़ी सारे सवालों का जवाब दिया, और मैं उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए भी काफ़ी वैल्यूएबल होगी और यहाँ से आप आइडिया ले सकेंगे जो लोग प्रदेश में जाते हैं, जो काम करते हैं, उनको किस किस्म के मामलात का सामना करना पड़ता है। तो आबिद भाई, आखिर में अगर आप कुछ कहना चाहें तो हमारे व्यूअर्स के लिए। पैगाम यही है कि अगर हम लोगों में से जो हम लोग यहाँ पर अपनी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप मुश्किल से मुश्किल हालात में भी डट के मुकाबला करें, अपने गोल्स और टारगेट्स जो हैं उनको सेट रखें, उनको अचीव करने की मुकम्मल कोशिश करें,
और ज़िंदगी में कभी ऐसा कोई मौका आया तो कोशिश कीजिएगा कि अपने ख़ानदान, अपने मुल्क, अपनी कौम, अपने मज़हब का नाम रोशन करें। मेरा यही आपसे पैगाम है। मेरा ये आबिद भाई के साथ मुलाकात थी जो कि बहुत खूबसूरत, बहुत ज़बरदस्त, हमने बहुत इंजॉय किया, हम घूमे फिरे, इंजॉय किया और हम तीनों दोस्त थे, बहुत चिल आउट किया हमने। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये मेरा व्लॉग आपको पसंद आया होगा और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपको इंतहाई एक चटखारेदार किस्म का व्लॉग देखने को मिलेगा, एक इंतहाई सख्त किस्म का एक कंपटीशन होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह आप ज़रूर देखेंगे वो। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगले वीडियो में।